Hi students, I welcome you all in today's biology class. Today we are going to discuss the adaptation in plants of forest region and plants from the grassland region. तो यहाँ पे adaptation का जो part है वो हमने previous classes में discuss करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने examples में देखे aquatic plants लिए थे, desert plants लिए थे. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन एंड ग्रासलैंड रीजन. तो फॉरेस्ट रीजन, वैसे भी हमें फॉरेस्ट अगर हम कहते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही डेंस होता है, जहाँ पे जो ह्यूज ट्रीज़ है, टॉल ट्रीज़ हमें फॉरेस्ट के रीजन में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. तो ये कौन से अडाप्टेशन है इस रीजन के प्लांट्स में, ये हम देखेंगे. इसके साथ साथ जो ग्रासलैंड का रीजन है वहाँ पे कौन से अडेप्टेशंस है, ये हम आज देखने वाले हैं. तो जो फॉरेस्ट रीजन है यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हर्ब्स है, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है, कुछ टॉल ट्रीज होते हैं. तो ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें इस रीजन में देखने के लिए मिलते हैं. तो हर्ब्स यानी कि जो स्मॉल होते हैं, जिनके स्टेम बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वैसे हर्ब्स हैं. जो कि श्रब्स हैं, बुश का फॉर्मेशन करते हैं, हाइट में ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा लार्ज भी नहीं होते, ये टॉल नहीं होते हैं. तो ये श्रब्स क्लाइंबर जो है वो क्या करते हैं, सपोर्ट को लेके वो वहाँ पे ग्रो होते हैं. तो ये जो फॉरेस्ट रीजन का पिक्चर यहाँ पे लिया है तो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्री है ये बहुत ही एक ट्री टॉल है, और इसके ऊपर ये आपको वाइंस दिख रहे हैं जो कि क्लाइंब करके ऊपर जा रहे हैं. तो यहाँ पे इस फॉरेस्ट रीजन में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं. अब सनलाइट के लिए कंपटीशन क्यों होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो वो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट नेसेसरी होती है प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को सनलाइट नेसेसरी होती है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं. तो डेंस रीजन होने की वजह से सनलाइट वहाँ पर सफिशेंटली नहीं पहुँचता है, तो इसकी वजह से इनमें कंपटीशन होती है सनलाइट के लिए. तो जो ट्रीज जहाँ पे सफिशियंट सनलाइट है वहाँ पे इनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और जहाँ पे सनलाइट जो है वो सफिशियंटली नहीं पहुँचती है वहाँ पे ग्रोथ कम होती है. तो ये फॉरेस्ट रीजन में जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है ग्रासलैंड रीजन. तो जो ग्रासलैंड रीजन होता है यहाँ पे मोस्टली बुश होते हैं, बुश का फॉर्मेशन होता है और ग्रासेस होते हैं. जैसे कि ग्राउंड के सरफेस, जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर बहुत ही कम हाइट पे ये ग्रासेस यहाँ पे ग्रो होते हैं. और जो बुश है तो बुश का फॉर्मेशन जो होता है तो वो हेल्पफुल होता है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको वहाँ पर रहने के लिए. तो बुश में ये खुद को हाइड कर सकते हैं. इनके जो रूट्स होते हैं ग्रासेस के, अगर आप रूट्स देखते हैं, जो कि हमारे क्रॉपिंग लैंड पे भी ये ग्रासेस ग्रो होते हैं, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स हैं. फाइब्रस रूट्स यानी कि जैसे कि ओनियन का रूट होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये फाइब्रस रूट्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन जो है वो कम होता है. अब यह सॉइल इरोजन क्या होता है, तो रूट की वजह से रूट क्या करते हैं, सॉइल को वहाँ पे बहुत टाइटली वहाँ पे पैक करके रखते हैं रूट्स की वजह से. अगर वहाँ पे प्लांट्स ही प्रेजेंट नहीं है, अगर डेजर्ट एरिया अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सॉइल का ऊपर का लेयर जो है वो हवा की वजह से निकल के जाता है, और जो ड्राई रीजन है या जो नेक्स्ट लेयर होता है, नीचे का लेयर होता है सॉइल का, वो ऊपर की तरफ आता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जिसमें रॉक्स प्रेजेंट होते हैं. तो बिकॉज ऑफ रूट्स क्या होता है, सॉइल का जो इरोजन है वो कम होता है.
तो जो कोल्ड रीजन के एरियाज है वहाँ पे हमें ग्रासेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, छुप सकते हैं इस कोल्ड रीजन के ग्रासेस में। वैसे जहाँ पे डेंस रीजन है तो जो इक्वेटोरियल रीजन आता है वहाँ पे जो बुश का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही डेंस होता है, इसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन टाइगर होता है, जैसे कि डियर भी है, तो ये क्या होते हैं वहाँ पे ये रह सकते हैं। तो ग्रासलैंड रीजन में हमें ये अडाप्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो अडाप्टेशन इन प्लांट्स में से एक ही पार्ट जो है वो हमारा रह गया है, जो कि है अडाप्टेशन इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। वैसे प्लांट्स अगर हम देखते हैं तो एट्रोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे जो कि इंसेक्ट को भी ग्रैब करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि जो अडाप्टेशन होता है वो कैसे है उन इंसेक्टिवरस प्लांट्स में। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया अडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन प्लांट्स एंड अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड रीजन। तो फॉरेस्ट रीजन में टॉल ट्रीज होते हैं, कंपटीशन करते हैं सनलाइट के लिए, जहाँ पे सफिशियंट सनलाइट होती है वहाँ पे वो खुद को ग्रो कर सकते हैं, टॉल ट्रीज वहाँ पे ग्रो होते हैं, और जो जहाँ पे सफिशियंट सनलाइट नहीं है वहाँ पे वो शॉर्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट रीजन में हर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, श्रब्स प्रेजेंट होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं एंड टॉल ट्रीज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ग्रासलैंड रीजन में हमें बुश एंड ग्रासेस का फॉर्मेशन दिखाई देता है, जो कि हेल्पफुल है सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके जो रूट्स होते हैं वो फाइबरस रूट्स होते हैं, और यही रीजन जो है ये डेंस रीजन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं। तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अडाप्टेशन इन इंसेक्टिवरस प्लांट्स।